ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जब भी हम डेटाबेस की टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मेजॉरिटी यूज होती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट है जिनमें से चेक है, चेक के अलावा डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट के अलावा हमारे पास नॉट नल है, सही। इस तरह के बहुत सारे कंस्ट्रेंट है या यूनिक है, ये हमारे काम कर रहे होते हैं। ऑप्शन क्लियर हो गया। अब इन नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स को क्यों अप्लाई करते हैं, इनको अप्लाई करने के लिए हमारे पास इनकी जरूरत क्या है, सही, या कहां कौन सा सिनेरियो है जिसमें इनको अप्लाई करना लाजमी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर इन चीजों को हमें टेस्ट भी करना है और उसको अप्लाई करके भी देखना है वन बाय वन। सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस टेस्टिंग कंस्ट्रेंट्स, एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसे, और इसी डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए यूज कमांड है हमारे पास, तो यूज फिर डेटाबेस का नाम, तो आपको यहां पे डेटाबेस नजर आ जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नंबर ऑफ टेबल्स क्रिएट करने हैं जिनके अंदर इनको वन बाय वन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर आके एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, सही है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्रिएट टेबल और उसके बाद हम कह देते हैं कि एम्प्लॉय। अब उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ कॉलम हम डिफाइन कर लेते हैं। कौन सा क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले हमें यहां पे आके एम्प्लॉय आईडी का कॉलम बनाना है, इंटीजर होगा और वो क्या होगी, प्राइमरी की होगी। कौन सा क्लियर हो गया। अच्छा, प्राइमरी की के बाद हम इसको आइडेंटिटी भी अप्लाई कर देते हैं। अभी इसलिए कि अगर इस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हैं तो कल को इस कॉलम के अंदर वैल्यूज आप ना दें, ना ही हम यूजर से मांग रहे होते हैं जब इसी टेबल में डेटा किसी एचटीएमएल के फॉर्म से ले रहे होते हैं, सही है। ये आईडी ऑटोमेटिक कहां से जनरेट हो रही होती है, एसक्यूएल सर्वर इंजन से, सही है। इसको आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, इसको वैल्यू एसक्यूएल सर्वर की इंजन खुद ब खुद इंक्रीमेंट करवाती रहेगी, क्योंकि हमने इसको क्या दे दिया है, आइडेंटिटी दे दी है। उसके बाद आपने एम्प्लॉय के नाम के लिए यहां पे आके वर्चार डेटा टाइप बता देना है, और उसके बाद हमने और कॉलम भी बता देना है। अच्छा, एक चीज और, अब एक चीज आपके माइंड में रहे कि अगर आप इन सारे कंस्ट्रेंट में से नॉट नल को अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम नॉट नल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या करेगा बेटा, नॉट नल अगर हम इसके ऊपर लगा देते, इसका मकसद कि इस आपके कॉलम में कोई भी नल वैल्यू अलाउ नहीं है। ऑप्शन क्लियर हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं इस पर एक और चीज भी अप्लाई करूं या इसके अलावा, चले नीचे आ जाते, एम्प्लॉय का सिटी भी होगा, सही है, और सिटी के लिए हम यहां पे आके डेटा टाइप क्या डिसाइड करेंगे, वर्चार, और क्या होगी वो, कोई भी लेंथ दे दे 122, और इसको भी कह देते हैं नॉट नल। कौन सा क्लियर हो गया, नॉट नल। लेकिन इसके ऊपर मैं एक और चीज भी अप्लाई कर देता हूं, डिफॉल्ट। अभी डिफॉल्ट क्या होती है बेटा, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस पढ़े होंगे, जब आप फंक्शन जावास्क्रिप्ट की बात करें तो फंक्शन जब आप बनाते थे तो फंक्शन आप सपोज उसका नाम आपने रखा शो या कैलकुलेटर सपोज, ठीक है। उसके बाद आप उसके कुछ वेरिएबल बनाते थे कि एक ए वेरिएबल है कॉमा बी वेरिएबल है, और उनकी आप यहां पे आके वैल्यूज, अच्छा आप क्या करना चाहते हैं वैल्यूज को, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इनको, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देता हूं, ए प्लस बी करवाना चाहते हैं। कौन सा क्लियर हो गया। लेकिन आपको पता है फंक्शन बनाने के बाद उसको कॉल किया जाता है, और जब आप कॉल करते हैं तो कैलकुलेटर के फंक्शन को इस तरह एक वैल्यू देंगे ए के लिए, दूसरी देंगे बी के लिए, ऐसे ही होगा ना, कौन सा क्लियर हो गया, तो आपकी वैल्यू वो असाइन हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पैरामीटर मिला, दूसरा पैरामीटर आपने कुछ वैल्यू दी नहीं, कौन सा क्लियर, या मेरा कहने का मकसद यह है
कि आप अगर किसी भी कॉलम में चाहते हैं कि वैल्यू अगर यूजर नहीं देता, अगर वैल्यू यूजर नहीं देता तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए, यानी अगर आप यहां पे किसी पैरामीटर में वैल्यू दे देते हैं ना a इज इक्वल टू 2, अब आप कॉलिंग टाइम पे इस a की वैल्यू अगर आप नहीं भी देते तो उसकी 2 वैल्यू रहेगी। समझ में आ रहा है? यानी कॉलिंग टाइम पे आपने सिर्फ 4 दिया और 2 की वैल्यू या a की वैल्यू नहीं दी, तो a को बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसको असाइन हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर आप यहां से कोई और वैल्यू देते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहां से आके 5.4 दे देता हूं, तो अब 5 किसको असाइन हो जाएगा, ए को, सही है? लेकिन अगर आपने 5 नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ए के पास क्या पड़ा, 2 पड़ा है ना। तो ये ऐसे है कि अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू कॉलम में पड़ी रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब यही काम अगर हमें डेटाबेसिस के अंदर करना हो तो उसके लिए डिफॉल्ट कीवर्ड होता है। क्या होता है? डिफॉल्ट कीवर्ड, जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि अगर इस सिटी के कॉलम में यूजर वैल्यू नहीं देना चाहता, तो सपोज अब हमारा इदारा जो है हैदराबाद में बिलोंग करता है या कराची में बिलोंग करता है, उसकी आप यहां पर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि मेजोरिटी इंप्लॉइज तो यही के है ना। तो अगर कोई सिटी का वहां पे ड्रॉप डाउन है, वहां से कोई सिटी डिफॉल्ट यानी कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो जाए, कराची। और सब क्लियर हो गया? तो किसी कॉलम में अगर वैल्यू नहीं भेजी जाती तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी होगी वो सेट हो जाएगी। उसके लिए एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमारे पास कौन सा कीवर्ड है, डिफॉल्ट कीवर्ड। कौन सा क्लियर है यहां तक? राइट। इसी तरह हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट है, कौन सा, चेक। अब चेक किस तरह से काम करता है, या अगर फॉर एग्जांपल इसी ईमेल, इसके लिए ईमेल भी ले लेते हैं वर्चार में, और इसको यहां पे आके यूनिक अप्लाई कर देते हैं। अब यूनिक कंस्ट्रेंट का काम क्या है? बेटा यूनिक कंस्ट्रेंट का काम यह है कि अगर आप इस ईमेल के कॉलम में कोई भी वैल्यू भेज रहे हैं तो आपकी वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। यूनिक से मकसद यह है कि इसके अंदर आपकी कभी भी वैल्यू डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। जैसे आप फेसबुक या जीमेल या आपके डिफरेंट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी भी वेबसाइट पे जब आप अकाउंट एक बार एक ईमेल से बना लेते हैं तो दूसरी बार अलाउ नहीं होता। कौन सा क्लियर है? अच्छा, अब प्राइमरी की और यूनिक की का डिफरेंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि प्राइमरी की के अंदर नॉट नल आपका ऑटोमेटिक लग जाता है, यानी प्राइमरी की वाले कॉलम में नल वैल्यूज अलाउ नहीं होती, ऐसे ही है। लेकिन यूनिक के आपके इस कॉलम में एक नल वैल्यू अलाउ है, लेकिन अगर उसको भी रोकना चाहते हो तो यहां पे भी क्या लगा दो, नॉट नल। कौन सा क्लियर हो गया? तो अब यूनिक में नल वैल्यू जो एक आनी थी वो भी नहीं आएगी। कौन सा क्लियर हो गया? By using not null constraint. तो हमने एक ही ईमेल के कॉलम पे दो कंस्ट्रेंट अप्लाई किए, एक यूनिक दूसरा नॉट नल। कौन सा क्लियर है यहां तक? तो इस कॉलम में ना नल वैल्यूज आएंगी अब, ना कोई डुप्लीकेट वैल्यू आएगी। उसके बाद हमारे पास है चेक। अब ये चेक क्या करेगा, चेक कंस्ट्रेंट को यहां पे आके आप फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की सैलरी होती है ना, सपोज पासवर्ड के लिए भी एक फील्ड बना देते हैं वर्चार, और यहां पे आके आपने कुछ भी बता दिया, पासवर्ड देना लाजमी है नॉट नल। अच्छा, पासवर्ड डुप्लीकेट हो सकते हैं तो इस पे हम कोई और चीज नहीं लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट कॉलम जो है सैलरी का, तो एम्प्लॉय की सैलरी के लिए हमने क्या करना है कि भाई यहां पे सैलरी के कॉलम के लिए आप इंटीजर और सैलरी, अब सैलरी के अंदर आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि सैलरी जो है, चले इसको भी मुझे लगता है कि इसको मुनासिब नहीं होगा किसी कंस्ट्रेंट के साथ यूज कर लेना, नॉट नल ही लगा दो। एक और कॉलम मैं बना देता हूं लास्ट, जिसमें एम्प्लॉय की एज डिफाइन कर देते हैं। देखें कंस्ट्रेंट है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको जहां लगे यार इसको यूज करना चाहिए वहां यूज करेंगे, कहीं और यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा ना हो कि भाई बस कंस्ट्रेंट आते हैं 8 तो 8 एक कॉलम पर लगा दो, सही है? नीड देखेंगे कि यार मुझे 8 से चलो 18 आते हैं, लेकिन
वो चीजें कहां कहां यूज करनी है, वी मस्ट नो अबाउट दैट. अच्छा, एज, एज के अंदर इंटीजर. अब मैं चाहता हूं ये जो बंदा है इसकी एज क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी, लेकिन एम्प्लॉइज जो समझ लें कि हमारे पास साइन अप करते हैं, या आप समझ लें किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, या हम जब अकाउंट बनाते हैं एम्प्लॉइज का, सपोज एक इदारा है जिसमें हमें खुद ही अकाउंट बना के एम्प्लॉय को दे देना है कि भाई तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड ये है और तुम इस ईमेल और पासवर्ड से हमारे पोर्टल को एक्सेस करोगे. मेजॉरिटी यही होता है. एडमिन क्या करता है, जब नया एम्प्लॉय आता है वो बैठ के उसके लिए ईमेल और पासवर्ड बनाता है और उसको दे देता है. सही है? तो ये फॉर्म कौन फिल करेगा? एडमिन. या कभी कभार हम खुद एम्प्लॉय से ही चीजें फुलफिल करवा रहे हैं. सही है? अब इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होगा जिसकी एज 18 साल से कम हो. सारे एम्प्लॉय जो हैं वो जिनका एनआईसी बना होगा तभी वो हमारे पास ऐसा एम्प्लॉय काम कर सकता है, वरना नहीं कर सकता. तो क्या करेंगे, यहां पे आके हम लगा देंगे चेक कंस्ट्रेंट. क्या लगा देंगे? चेक. और चेक के अंदर हम इसको कहेंगे कि भाई तुम्हारी एज अगर लेस देन है किससे, 18 से. सही है? लेस देन है 18 से, और एंड लगा के एज अगर ग्रेटर देन है किससे, फॉर एग्जांपल 50 से. कौन सा क्लियर है? या आप ऐसा करो कि तुम्हारी एज ग्रेटर देन हो 18 से, इक्वल हो 18 के, या लेस देन हो और इक्वल हो 50, तभी आप अवेलेबल हैं या तभी एज एम्प्लॉय आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, वरना आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारे पास जो भी इंप्लाइज काम करेंगे 18 से लेकर 50 की एज में करेंगे, इससे ना कम ना इससे ज्यादा. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है. इसी तरह किसी भी कॉलम पे जाके कि भाई सैलरी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, पासवर्ड में कैरेक्टर क्या होने चाहिए, व्हाटएवर जो भी आप लगा सकते हो, अभी के लिए इतना ही. सही है? ये हमने एक टेबल बना दिया, इन चीजों को करते हैं क्रिएट, और वन बाय वन एक एक चीज को करेंगे चेक. क्रिएट अ टेबल हमने क्रिएट किया. सही है बेटा? अब वैल्यूज देके देखते हैं कि क्या इस तरह की वैल्यूज पे ये टेबल काम भी करता है या नहीं करता. सबसे पहले यहां आते हैं, इंसर्ट करते हैं डेटा. इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है बेटा? एम्प्लॉय वैल्यूज. अच्छा जी, वैल्यूज वहीं लिखते हैं, वैल्यूज, और उसके बाद यहां पे आके वैल्यूज देते हैं. अब पहला कॉलम, इसी के लिए मुझे सिलेक्ट करके नीचे दिखानी पड़ेगी टेबल, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारे पास टेबल के कॉलम कौन कौन से, उनको किस सीक्वेंस में वैल्यू देनी है. सबसे पहले आईडी. आईडी मैंने कहा देने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी की है, और आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी क्या करेगा, ये कॉलम खुद ब खुद जनरेट करता रहेगा, आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं. सेकेंड कॉलम में नाम का, उसके अंदर अली देके देखते हैं. उसके बाद सेकेंड थर्ड कॉलम है सिटी का, सिटी के अंदर मैं अभी हैदराबाद दे देता हूं. उसके बाद हमारे पास तीसरा कॉलम है ईमेल का, मैं कर देता हूं ali@gmail.com. उसके बाद हमारे पास पासवर्ड, पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं, वर्चार है. उसके बाद है सैलरी, सैलरी मैं कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं जी 30,000. उसके बाद हमारे पास है एज, एज हम कर देते हैं यहां पे. हमने क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई है, ग्रेटर देन आर इक्वल हो 18 के, और लेस देन आर इक्वल हो 50 के. चलें जी, एज सबसे पहले हम लास्ट वाली वैल्यू को करते हैं चेक. कौन सा क्लियर हो गया? हमने क्या लगाया चेक कंस्ट्रेंट के थ्रू, कि एज 18 से लेकर 50 तक की ही अलाव है इस कॉलम में, वरना दूसरी कोई एज जो 18 से कम है या 50 से अबव है, दोनों आपके सिनेरियोस में ये वैल्यू असाइन नहीं होनी चाहिए. तो लास्ट कॉलम की हम चेक कर लेते हैं, बाकी सारे कॉलम की वैल्यूज हमने सही से दी है. एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आ रहा है, वॉल्यूशन नीचे पड़े. चेक कंस्ट्रेंट कह रहा है कि आपकी वैल्यू जो आपने दी है वो गलत है. शोरा चेक कंफ्लिक्ट हो रहा है हमारे पास कि आपने जो वैल्यू दी वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं है. कौन सा क्लियर है यहां तक? चलें जी, एक काम कर लेते हैं, इसको वैल्यू देते हैं 18, और यहां पे सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. वन रोज अफेक्टेड. ठीक है, यहां आते हैं, सिलेक्ट करके देखते हैं, और ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं.
तो हियर वी गो, एज 18 एड हो चुकी है, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं काम करता हूं, एक दूसरी वैल्यू देके देख लेते हैं, इसी आपके एज के कॉलम को फिर से मैं कहता हूं कि भाई 51 क्या दी है मैंने इसकी एज 51 एज देके फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो कन्फ्लिक्ट क्या आता है, क्या रहा जी, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। अच्छा अब बेटा हमारे पास ये जो मसला आ रहा है यूनिक की का आ रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू दे रहे हैं आप, तो मैं काम कर लेता हूं बाकी वैल्यूज को यूनिक कर लेते हैं, अली 1 हैदराबाद 1 या यहां पे कोई और सिटी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू प्रोवाइड सखर और ali1@gmail.com, पासवर्ड 1123, सैलरी कुछ भी दे देते हैं जी 40,000। और उसके बाद यहां पे अब मैं सिर्फ एज चेक करना चाहता हूं, कौन सा क्लियर हो गया, जहां पे हमने चेक लगाया ना बस उसी को चेक करना चाहता हूं, सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। फिर से क्या आ रहा है कि आप 50 एज से अबव वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है, तो हमारे पास ये सही से काम कर रहा है। हाँ लेकिन अगर 50 वैल्यू देते हैं और यहां पर आके इसको इंसर्ट करवाते हैं तो अली 1 के नाम से एम्प्लॉय एड हो जाएगा, क्योंकि आपने जो कंडीशन लगाई है उसकी बेसिस पे वो काम कर रहा हो। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, आप देखेंगे तो एम्प्लॉय के उस टेबल के अंदर 50 और 18 अलाव है, इनके बीच में जो भी वैल्यू दोगे वो अलाव, कौन सा क्लियर हो गया, यानी अगर आप देना चाहते हैं कौन सी वैल्यू 30, 35, 40, 45 वो सारी वैल्यूज अलाव, ये चेक कंस्ट्रेंट का काम। अब उसके बाद हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट था जिसका नाम क्या था जी, हमने अप्लाई किया है नेम। अब आपको पता है नेम की वैल्यू के अंदर हम नॉट नल नहीं दे सकते या नल वैल्यूज अलाउ नहीं है, तो मैं यहां पे आता हूं बाकी सारी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को कर देते हैं सही अली 1 2। अच्छा अब अली को मैं यहां से नल पास कर देता हूं, क्या पास कर देते हैं बेटा नल, बाकी वैल्यू में यहां से आके जो है वो उसी तरह से सही से पास कर लेता हूं। यहां पे कर देते हैं जी ये होगा लड़का ना, और यहां पे अली 1 2, पासवर्ड जो भी रहना है कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलरी और एज आप कर दो फॉर एग्जांपल 45। अब मैं इसको इंसर्ट करने चाहता हूं, अब नेम वाले कॉलम के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है नॉट नल, यानी इसके अंदर नल वैल्यूज अलाओ नहीं है, ये देखिए तो क्या बोल रहा है, नेम वाले कॉलम में आपकी नल वैल्यूज अलाओ नहीं है। अच्छा ये काम कर लेते हैं, यहां पे आके आपने कह दिया अहमद, नाम दे दिया, अब आपने सिटी कहा था ना कि अगर हम नहीं देंगे तो डिफॉल्ट सिटी हमने क्या एड करवाया था, कराची, तो यहां पर देखें डिफॉल्ट सिटी मैंने क्या रखवाया है, कराची, ठीक है, लेकिन नॉट नल भी अलाव है तो आप नल भी नहीं देंगे, आप सिर्फ क्या लिख देंगे, आप वहां पे जाके लिख देंगे अगर वहां से कोई वैल्यू नहीं आ रही तो जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है, आप सिर्फ यहां पे क्या लिख देंगे डिफॉल्ट, दैट्स इट, क्या लिख देंगे डिफॉल्ट, कि मैं आपको वैल्यू नहीं दे रहा ना ही नल दे रहा हूं, बस मैं आपको सिटी नहीं दे रहा, आपको क्या सेट कर देना है डिफॉल्ट, कौन सा क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और देखते हैं कि क्या ये ऐड कर रहा है या नहीं, एग्जीक्यूट करते हैं, वन रोज फैक्टेड, इसका मकसद हमारे पास ये देखिए कौन सा सिटी आ गया, कराची, डिफॉल्ट हमने सिटी क्या रखा था, कराची रखा था ना, तो कराची बाय डिफॉल्ट हमारा आ चुका। इसी तरह हमने एक और कंस्ट्रेंट लगाया था, कौन सा, यूनिक, वर्चा, नॉट नल, चेक, सारी चीजें चेक हो चुकी, ऐसे ही है। तो ये हमने कुछ कंस्ट्रेंट पढ़ने थे जिसको आप इन फ्यूचर इंशाल्लाह जाके जब डेटाबेसेस बनाओगे तो उनके अंदर यूज होता है, और मेजॉरिटी सिनेरियोस के अंदर डिफॉल्ट का, नॉट नल का, चेक का। अब देखिए चेक हम वहां से भी कर सकते हैं, किसी इनपुट से वैल्यू आ रही है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, या कोई सर्वर साइड लैंग्वेज है ASP है या JSP है या PHP है, उनसे भी चेक करके वैल्यू डेटाबेस की तरफ भेज सकते हो,
कि भाई इस इनपुट से अगर वैल्यू आएगी एज 18 से बड़ी और 50 से कम तभी अलाउ है वरना अलाउ नहीं। आपको पता है वहां पे भी क्या लगा देते इफ कंडीशन ना, लेकिन मैंने कहा डेटाबेस एंड पे भी वैलिडेशन हम सेट कर सकते हैं जितनी पॉसिबल है, तो हम यहां पे भी चेक लगा के उसको चेक कर सकते हैं कि इस कॉलम में कौन सी वैल्यू आनी है कौन सी वैल्यू नहीं आनी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।